हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका दोस्त सब कुछ गया वापस आया एक और रिव्यू लेके। आज हम रिव्यू करेंगे एक मूवी का जिसका नाम है बुलबुल, जो रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। ये अनुष्का की प्रोडक्शन हाउस की है। वो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे क्या, जितने भी अभी तक रिव्यू मैंने बनाए हैं उस पर मुझे कमेंट्स मिले हैं कि मैं ना स्टोरी को थोड़ा ज़्यादा ही एलाबोरेट कर देता हूँ। तो अब मैंने थोड़ा शॉर्ट स्टोरी को शॉर्ट रखूँगा और कुछ स्ट्रक्चर चेंज किया है मेरे रिव्यू का। अगर आपको अच्छा लगे या अभी भी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है 1881 में बंगाल में, जहाँ पर एक छोटी बच्ची की शादी होती है अपने से 3 से 4 गुना बड़े बंदे से, और वो एक ठाकुर। ठीक है, अब मूवी शिफ्ट होती है डायरेक्ट 20 साल आगे, जहाँ वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है बट अभी भी थोड़ी डरी सहमी सी है, और कैसे वो एक इवॉल्व हुई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में, यही मूवी है। अब इसमें कुछ सुपर नेचुरल और हॉरर चीज़ें डाली गई हैं, ये स्टोरी है। और मूवी में थोड़े से ब्रूटल सीन भी हैं, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। बुलबुल का जो रोल छोटे में किया है वो रुचि महाजन ने किया है, और राहुल बोस उनके हस्बैंड का रोल निभा रहे हैं, और इनका एक दो ब्रदर और हैं। एक ब्रदर का रोल खुद ही निभा रहे हैं, यानी डबल रोल है। और सबसे छोटा इनका जो भाई है वो अविनाश है, और जो हूबहू रणबीर सिंह की कॉपी लगता है कहीं कहीं, तो आप देखिएगा मूवी तो आपको लगेगा बिल्कुल कॉपी। फिर क्या होता है, जब बुलबुल बड़ी होती है तो उसका रोल जो किया है तृप्ति ने, ठीक है, ये बड़े होने के बाद का रोल है। और फिर उनकी एक भाभी है जिसका रोल किया है पौली ने। ये थी कुछ कास्ट। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मूवी के अंदर थे बट सिर्फ इसलिए लिए गए हैं क्योंकि उनका मर्डर हो सके, मतलब एक सीन पहले उनसे बात हो रही है उसके बाद वो नेक्स्ट सीन में दे आर डेड, ठीक है। और रही बात डायलॉग्स की, तो मूवी में कोई ऐसा डायलॉग नहीं है जो आप मूवी के बाद याद रख पाएंगे, वो आपके साथ कैरी नहीं कर पाएगा। और एक्टिंग की बात रही तो एक्टिंग लोगों ने अच्छी करी है, अपना कैरेक्टर अच्छे से निभाया है, बहुत प्रॉमिसिंग सब लोग अपने अपने फील्ड में रहे हैं। तो ये अब मूवी में कुछ एक्शन सीन्स बढ़ सकते थे बट इसमें नॉर्मल हाथापाई तक ही ख़त्म कर दिया गया है चीज़ों को। अब यहाँ पे मर्डर्स हुए हैं बट मर्डर्स में कैसे कैसे बंदे को मारा गया वो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है, शायद डायरेक्टर का विजन नहीं था वो। लोकेशन के नाम पे एक बहुत बड़ी हवेली है जो पूरे जंगल से कवर्ड है, इसके अलावा लोकेशन में कुछ नहीं है, बस यही दिखाया है। पूरी शूटिंग इसी महल के अंदर और ये पूरा जंगल इसी में हो गई है। इसकी बात करें तो हाँ, मूवी में सीन्स को अच्छे तरीके से स्विच करा गया है। फ्लैशबैक में मूवी गई है, करंट स्टेट में भी चीज़ें स्विच करी गई हैं, तो वो काम अच्छा किया गया है और आपको देख के अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ हुई, वो आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर ही पाएंगे। इस मूवी से इन्होंने एज ए डायरेक्टर डेब्यू किया है, इससे पहले वो डायलॉग लिखते थे और उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ के लिए डायलॉग लिखे हुए हैं, जैसे बैंग बैंग हो गया, क्वीन हो गया, लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। बट इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मूवी और अच्छी बन सकती थी, जैसे ये बंगाल की स्टोरी है बट कोई बंगाली नहीं बोल रहा, वो टच मिसिंग है, ठीक है। 1881 से 90s के बीच की स्टोरी है बट कोई उस टाइम ब्रिटिशर्स थे तो कोई ब्रिटिशर्स इसके अंदर नहीं दिखाया गया क्योंकि वो उन्होंने दिखाया ही नहीं नेचुरल, तो एक रियलिस्टिक टच मिसिंग है मूवी के अंदर। और एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है, ठीक है, ये कोई मूवी थिएटर नहीं है जहाँ पे अपनी फैमिली को लेके गया बंदा, पॉपकॉर्न खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, अपना 2-3 घंटे इन्जॉयमेंट करके वापस आ गया, ये OTT प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्या है, यहाँ की ऑडियंस ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा देखती है और देखना पसंद करती है, और सबसे बड़ी बात उनके पास है एक टीवी का रिमोट, ठीक है, और उस रिमोट से आप एक बटन स्विच करते ही चीज़ों को बदल सकते हैं। मोबाइल में एक मिनट में ही आप चीज़ें बदल देंगे, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप स्वैप कर देंगे, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी। जो लोग वीमेन एम्पावरमेंट पे के टॉपिक को देखना पसंद करते हैं वो ये मूवी देख सकते हैं,
और जो घर पे बैठ के बोर हो रहे हैं वो भी ये मूवी देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, जो इससे पहले मूवी आई थी, जो सीरीज आई थी पाताल लोक, उससे लोगों की एक्सपेक्टेशन यहाँ थी और इस मूवी से यहाँ जाना चाह रही थी, बट ऐसा हो नहीं पाया है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मूवी मत देखिएगा। और ये मेरा रिव्यू था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अभी भी कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और मैं ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा और नई नई वीडियो लाता रहूँगा। तो स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।